हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग IOQM यानी इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन मैथमेटिक्स 2020-21 का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। नंबर n इन बेस 10, व्हाट डज बेस 10 मीन। बेस 10 का मतलब हम डेसिमल नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं। जैसे मैं बात करूँ, हमारे पास एक नंबर है 234 बेस 10, ऐसे लिखा जाता है। तो ये बेस 10 है, आपको पता होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 200 प्लस 30 प्लस 4, 234। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 प्लस 30 प्लस 200। 4 को लिख सकते हैं 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 100, दैट इज 4 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 0 प्लस 3 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 1 प्लस 2 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 2। इसी को बेस मान के हम लोग, बेस मतलब ये तो बेस है ही, इसी को बेस मान के हम लोग और भी बेसेस को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 4 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 0, इसका वैल्यू वही ना आएगा, सेम वही आ जाएगा। तो ये बेस 10 को ही बेस 10 में निकालने का फार्मूला है। लेकिन अगर हम बात करें मतलब वे, ठीक, जैसे मैं लिखूँ हमारे पास 1011 है और यहाँ पे 1 और 0 सिर्फ इस्तेमाल हुआ है, दैट इज़ यहाँ पे हमारे पास दो डिजिट्स है, इसको बाइनरी सिस्टम कहते हैं। यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज 10 डिजिट्स हैं, उसको हम डेसिमल सिस्टम कहते हैं, ये बाइनरी सिस्टम है। यहाँ पे क्या करेंगे, इसके यहाँ 4 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 0 की, तो यहाँ करेंगे 1 इंटू 2 पे पावर 0, इधर आ जाएगी, ठीक है, प्लस 1 इंटू 2 पे पावर 1, आपको आता होगा ये, मुझे लगता है, प्लस 0 इंटू 2 पे पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 पे पावर 3। तो ये हो जाएगा आपका वैल्यू 1 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 8, 8 2 से 11, ये कितना आंसर है हमें 11। ये 11 कौन सा सिस्टम है, डेसिमल सिस्टम है, दैट इज 11 का ये डेसिमल सिस्टम है। मतलब 11 यहाँ पे जो है, यहाँ पे 0 से लेकर 9 वाले डिजिट, वैसे सिर्फ 1 1 इस्तेमाल हुआ है इत्तेफाक से, लेकिन ये हमारा कौन सा सिस्टम है, बाइनरी सिस्टम। तो बाइनरी सिस्टम में हम यहाँ बेस क्या इस्तेमाल करेंगे, 2। डेसिमल सिस्टम में यहाँ बेस क्या इस्तेमाल करेंगे, 10। तो जो भी सिस्टम होगा, जिस बेस में होगा, जैसे अगर 6 बेस होगा यहाँ पे, तो 6 इस्तेमाल करेंगे। मेरी बात समझ आ रही है। और एक वैल्यू में लेके दिखाता हूँ, जैसे 1 1 0 है हमारे पास, ये बेस 2 है, तो ये होगा 0 इंटू 2 पे पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 पे पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 पे पावर 2, दैट इज 0 प्लस 2 प्लस 4, तो 6 हुआ। ये 6 किस में हुआ, ये हुआ हमारा डेसिमल सिस्टम में। उसी को हम बाइनरी सिस्टम में क्या लिखेंगे, 1 1 0। तो बाइनरी सिस्टम में बेस 2 होगा, डेसिमल सिस्टम में बेस 10 होगा। उसी तरह से अगर हमारा बेस बी है तो यहाँ बेस बी होगा, समझ रहे हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 503 में बेस क्या है हमारा, बी। तो इसी तरह से जैसे यहाँ पे 503, तो 3 इंटू बी पे पावर 0 प्लस 0 इंटू बी पे पावर 1 प्लस 5 इंटू, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको आप समझ जाइए, हमारा बेस यहाँ 10 है। तो मैं यहाँ पे लिखूँ अगर 503, ये कौन सा बेस है, बी, तो लिखना पड़ेगा 3 इंटू बी पे पावर 0 प्लस 0 इंटू बी पे पावर 1 प्लस 5 इंटू बी पे पावर 2। वैसे ही जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, 4 इंटू 10 पे पावर 0, यहाँ मैंने किया 3 इंटू बी पे पावर 0, यहाँ प्लस 3 इंटू 10 पे पावर 1, यहाँ मैंने किया 0 इंटू बी पे पावर 1 प्लस 5 इंटू बी पे पावर 2। यही एक मेन बात थी जो समझना था, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा, ये मैंने बस एक वे बता दिया समझाने के लिए। बी पे पावर 0 कितना होगा, 1 इंटू 3, 3 होगा, प्लस 0 प्लस 5 बी स्क्वायर। जो भी रिजल्ट निकल के आएगा, जो भी सिस्टम से आप इसको इस तरीके से तोड़ेंगे, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो डेसिमल में आएगा। किस में आएगा बोलिए, डेसिमल में, 5b² + 3। ये जो भी आएगा वैल्यू, ये डेसिमल में आएगा, क्योंकि b का वैल्यू नहीं पता है, इसीलिए हमको नंबर नहीं पता। तो ये हो गया 503 किस में गिवन है, b में, बहुत अच्छी बात। दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा है 305, और यही वाला सेम नंबर, लेकिन इसका हमारा जो बेस है वो बी प्लस 2 है। जैसे इसका अगर 5 होगा तो ये 5 + 2 7 होगा, ये 7 होगा तो 7 + 2 9 होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 5 इंटू है बी पे पावर 0, यहाँ होगा बी प्लस 2 पे पावर 0 प्लस 0 इंटू बी प्लस 2 पे पावर 1 प्लस 3 इंटू बी प्लस 2 पे पावर 2। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 0 प्लस 3 इंटू बी प्लस 2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 + 3b² प्लस 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12b प्लस 2 × 2 = 4, 3 = 12। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, 305, बेस क्या है हमारे पास, b + 2, ये आया 5
थ्री बी स्क्वायर है ना प्लस कितना 12b प्लस कितना 12 × 5 = 17। ये भी हमारा बेस किस में आया 10 में। तो जो भी हम निकालेंगे रिजल्ट उसका बेस को इस तरह से करके जो जो मैंने किया वो किस में आएगा डेसिमल सिस्टम में। तो 503 था वो बेस b था और 305 बेस b प्लस 2 था। ठीक है, तो ये जो दोनों वैल्यू होगा वो आपस में क्या होगा इक्वल होगा, क्योंकि बेसेस अलग है लेकिन डेसिमल में दोनों का वैल्यू जो होगा वो सेम होगा, सेम नंबर है बट बेस अलग अलग है। ठीक, तो क्या हो जाएगा बताइए, अगर हम देखें तो ये वाला 5b स्क्वायर प्लस 3 आया, इसका भी बेस 10 है, और ये 3b स्क्वायर प्लस 12b प्लस 17 दोनों सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों में अगर बेस सेम हो, दोनों डेसिमल सिस्टम है, तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नहीं समझ आए तो मुझे आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ये क्या हो जाएगा देखिए, 5b स्क्वायर 3b स्क्वायर इस पर आएगा तो क्या होगा 5b स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 12b इस पर आएगा तो माइनस 12 प्लस 3 प्लस 17 इस पर आएगा तो माइनस 17 इक्वल टू इस पर क्या बचा 0 दैट इज 2b स्क्वायर माइनस 12b प्लस 3 माइनस 17 कितना हो जाएगा माइनस 14 इक्वल टू 0। दोनों तरफ सब में क्या कॉमन होगा 2b स्क्वायर माइनस 6b माइनस 7 इक्वल टू 0। ये 2 मल्टीप्लाइड है 0 इस पर जाएगा तो b स्क्वायर माइनस इसको मैं सॉल्व भी कर लेता हूँ प्लस बी माइनस 7b प्लस बी माइनस 7b माइनस 6b आएगा। मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट किया 0/2 0 हो गया उधर, b हमने कॉमन लिया ये होगा b प्लस 1 माइनस 7 कॉमन लेंगे ये क्या होगा b प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे b प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारा कॉमन, यहाँ बचेगा b और माइनस 7 इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो या तो b प्लस 1 0 होगा या b माइनस 7 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा b का वैल्यू माइनस 1 आएगा, b का वैल्यू क्या आएगा माइनस 1 और यहाँ से b का वैल्यू 7 आएगा। आपको पता है कि जो सिस्टम होगा डेसिमल सिस्टम में 10 डिजिट्स होंगे, अगर माइनस 1 सिस्टम होगा माइनस 1 बेस होगा तो माइनस 1 डिजिट्स होगा, तो टोटल माइनस 1 डिजिट्स पॉसिबल नहीं है, तो पॉसिबल क्या है 7। तो b का वैल्यू हमारा 7 हो गया। तो हमारे पास दो सिस्टम है, या तो ये वाला लिखेंगे या ये वाला। ये 5b स्क्वायर प्लस 3 जो आया था वो हमारा किस में आया था, जो भी है मैं आपको अलग से करके दे रहा हूँ। देखिए 503 आया था, क्या आया था हमारे पास 503 था बेस बी पे, बेस बी का मतलब कितना हो गया बेस हमारा यहाँ पे 7 हो गया, दैट इज 3 × 7^0 प्लस 0 × क्या हो जाएगा 7^1 प्लस 5 × 7^2 या डायरेक्टली 5b स्क्वायर प्लस 3 लिखेंगे तो भी हो जाता, तभी मैं दिखा रहा हूँ 7 × 1 × 3 प्लस 0 प्लस 7 × 7 = 49 × 5 ये होगा 245। तो इसका वैल्यू आएगा हमारा 248 और ये बेस किस में है 10 में। या आप क्या करें 305 लें और यहाँ पे बेस क्या लें आप b प्लस 2 दैट इज 7 + 2 दैट इज 9 तो ये हो गया हमारा 305 बेस 9 तो ये हो जाएगा 5 × 9^0 प्लस 0 × 9^1 प्लस 3 × 9^2 तो कितना हो जाएगा 5 + 0 9 × 9 = 81 3 = 243 प्लस 5 क्या होगा 248 क्या हो गया बेस 10। ये बेस में लिखने का ये तरीका है। क्वेश्चन में बोला व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ n, देखिए 248 यहाँ पे भी 248 यहाँ पे भी है तो आंसर होगा हमारा 2 × 4 × 8 4 × 2 = 8 + 64 तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि सोल्यूशन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको समझ आए तो अपने दोस्तों को भी ये बताएं कि यहाँ पे ओलंपियाड्स के क्वेश्चंस हो रहे हैं। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।